हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज छुट्टी का दिन था, घर बैठ के बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज फील्ड से होकर आते हैं, बन ज़मीनें घूम कर आते हैं अपनी। तो फिर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ पे करेले बीजे हुए हैं, करेलों के अंदर जो है वो केला भी है। तो चलो आज हम करेले का जो फसल है उसको देखते हैं, घूमते हैं सब्जी को। तो आज का व्लॉग क्रिकेट के हवाले से नहीं है, आज का जो व्लॉग है वो हम अपनी फील्ड्स के चक्कर लगाएंगे, तो उस हवाले से जो है आज का व्लॉग बनेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और उसके बाद जो सब्जियां या फसल वगैरह मैं आपको घुमाऊंगा आज जो अपनी है, तो उनके हवाले से अगर आपके जहन में कोई ऑप्शंस या कोई ऐसी चीज़, कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ अगर आती है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख देना। तो करेलों के बाद अब कपास, कपास में भी केला जो है वो लगाया हुआ है, और कपास भी माशाल्लाह से जो है वो आप देख सकते हैं कपास की फसल को, ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये आप देख सकते हैं। असल में इस फसल की जो है ना वो ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन ज़मीन अगर सही है, खाद वगैरह सही है, देखभाल सही है, टाइम पे इसको जो है खाद वगैरह मिल जाए, और अगर आपको मर्ज नज़र आए तो आप टाइम पर इसको जो है स्प्रे कर दें तो ये जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। आप देख सकते हैं कल को मजदूर इंशाल्लाह छोड़ेंगे। ये आप देखें इसके अंदर केला जो है, केला भी ज़बरदस्त लगा हुआ है। असल में ज़मीन केले के लिए ही ली थी, तो फिर हमने सोचा कि जब तक केला तैयार होगा तब तक खर्चे वर्चे जो होते रहते हैं तो उस हिसाब से हम कोई और फसल भी साथ में बीज लेते हैं, तैयार हो जाएगी। तो इसलिए हमने कपास यहाँ पे बीजी, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला के लाख लाख एहसान है कि इतना गुनाहगार बंदे इतना उतरते नहीं है जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया। माशाल्लाह से कपास जो है वो ज़बरदस्त हो गई, और साथ साथ में जो है केला भी जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। ये आप देख सकते हैं फसल, इनको खाद टाइम पे मिलनी चाहिए, उनका स्प्रे होना चाहिए, और उसके अलावा इसकी सफाई सुथराई जो है वो टाइम पर हो तो ये अच्छी एवरेज देती है। असल में बीज का भी जो है वो इसमें कमाल होता है, अगर आपको बीज अच्छा मिल गया है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसकी एवरेज अच्छी है, तो आपको जो है ना परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अगर आपको बीज ही 2 नंबर मिल जाता है, लोकल कंपनी का मिल जाता है, तो फिर आप जो है ना वो उससे उतना मुनाफा नहीं कमा सकते जितनी आप उम्मीद रखते। ये आप देख सकते हैं अभी ये जैसे ही फसल, इसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा कपास का, तो फिर इसको हम निकाल देंगे। इसको निकाल कर फिर ये इनको अच्छे से इनकी मजदूर छोड़कर ज़मीन के बाद लेवल कर कर ज़बरदस्त तरीके से फिर खाद वगैरह देकर केले के ऊपर जो है वो ही फोकस करेंगे, और केले के ऊपर ही मेहनत करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कोई और दूसरा फसल जो है वो नहीं बीजेंगे, क्योंकि केला तैयार हो जाएगा तो जब ज़मीन पे साया आ जाता है किसी चीज़ का, तो साए वाली जगह पे वैसे भी फसल कोई भी चीज़ ऐसी है वो होती नहीं है। अगर होती है तो वो ताकत जो है उनकी ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ लकड़ी बनकर जो हरी भरी खड़ी रहती है, उसमें इतना जो अपना मवाद जो होता है वो नहीं बना सकती, एनर्जी का जो सिस्टम होता है वो उसका जो है ना फसल का वो ख़त्म हो जाता है। जैसे इसमें जो माल लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं इसके, तो इस तरह से हम जो है आगे जाकर सिर्फ केले के ऊपर ही फोकस करेंगे। ये जैसे ही ख़त्म होगी कपास तो इसको निकाल देंगे, ज़मीन की सेटिंग करेंगे, और सेटिंग करके इसमें केला पीस देंगे। केले की जो है वो सही तरीके से सेटिंग कर दें।
ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा कैमरे को ऊपर रोल कर रहा हूँ, वहाँ पे सामने आपको करेले नज़र आ रहे हैं, ये केला और ये आपको पूरी की पूरी कपास नज़र आ रही है। कपास जहाँ जहाँ तक कपास और केला है वहाँ वहाँ तक ये सारी ज़मीन अपने पास है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त जो है ये बिल्कुल साफ़ है, कोई भी मर्ज या कोई भी सुंडी तीला वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ जो है इस वक्त इसके अंदर नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, हर मर्ज से फ़िलहाल जो है ये महफूज है, जिसकी वजह से ये हमें इतने हरे भरे और इतने दिलकश और इतने प्यारे जो है वो नज़र आ रहा है। जब इसको फसल लगता है तो ऐसा फील होता है कि जैसे हम खुद बीमार हो गए, और भाई क्यों ना हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर किसी चीज़ से कुछ पाना है तो उसको अपने बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रोज़ी जिसमें से कमाई जाती है तो वो हम उन्हें बच्चों की तरह ही संभालना चाहिए, तो उसका फल अल्लाह ताला हमें देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी मेहनत करोगे जितना गुड़ डालोगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा, तो ये अल्लाह ताला के एहसान है, मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसके बदले में हमें जो है रोज़ी की शक्ल में, हमें इनकी शक्ल में रोज़ी दे रहा है। तो हम इतना उतरते तो नहीं है, लेकिन ये भी एहसान है अल्लाह पाक के कि हमें ये सब चीज़ें नवाजता है, हमें इस काबिल समझा है। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त केला का, केला भी आप देख रहे हैं वो भी आपको नज़र आ रहा है, ये आप देखें ये भी ज़बरदस्त हो गया है। जैसे कपास निकलेगी तो सारा जो है खाद वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो एक ही फसल को के ऊपर गिरेंगी, तो उसकी ग्रोथ जो है वो इससे भी अच्छी होगी। अभी जो भी खाद वगैरह या जो देते हैं मटेरियल्स वो केला भी चूसता है और ये भी चूस रहा है, तो दोनों फसल उसको एक साथ मिलकर जो है वो उसमें से पोटाशियम या कैल्शियम ले रहे हैं। लेकिन जब कोई भी एक फसल निकलेगा तो वही पोटाशियम और कैल्शियम जो फसल खड़ा हुआ होगा उसी को मिलेगा। बाद का भी वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे, जब खाली केला होगा तब मैं आकर यहाँ पर आपको एक और व्लॉग बनाकर दिखाऊंगा, और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वही ज़मीन है जहाँ पर हमने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले एक व्लॉग बनाया था। तो कैसी लगी ये फसल कपास की आपको, और ये व्लॉग भी आपको कैसा लगा? अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल पे, अगर न्यू आए हैं बेल आइकन को प्रेस कर दें। जाते हैं।